भारत टीवी के पत्रकार साहून खान के कैमरे ने ताबड़ू शहर से एक खबर कवरेज कर भेजी, जो जानना पूरे हरियाणा और देश के लिए जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर तीसरी लहर यानी एक ऐसी बीमारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है आ चुकी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप सब सावधानी बरतें और आप सब जागरूक भी हो जाएं। भारत टीवी आपसे पहले भी अपील करता रहा है, जान है तो जहान है, लेकिन इस जान को बचाने के लिए ताबड़ू शहर में एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पैदल मार्च करते हुए नजर आए। उन्होंने मौके पर जाकर लोगों को समझाया और लोगों को बताया कि कैसे इस नई समस्या से आपको बचना है और इस बीमारी से अपने आप को सेफ रखना है। साहून खान ने हमको इस खास खबर के साथ एक संदेश भी प्रेषित किया कि जहां भी यदि आप रहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये अधिकारी ताबड़ू शहर में जनता जनार्दन को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर बेहद ज्यादा गंभीर है। ऐसे में सभी का वैक्सीनीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन मास्क से यदि आपने अपना चेहरा नहीं ढका तो समझो मुसीबत का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो सकता है। आइए, साहून खान ने बातचीत की उन आला अधिकारियों से जिन्होंने ताबड़ू शहर में पैदल मार्च कर जनता के साथ सीधा एक संवाद स्थापित किया और तीसरी लहर पर काबू पाने को लेकर तमाम गतिविधियों को शुरू किया। सर, आज जो अभियान चला रखा है, क्या अभियान है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कौन कौन लोग साथ हैं? जैसा कि सबको पता है, कोरोना बीमारी है, दोबारा पैर पसार रही है, डेली केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने आदेश किए हैं कि बगैर मास्क वाले को कोई सर्विस नहीं, बगैर वैक्सीन लगा आदमी है उसको भी कोई सर्विस नहीं। तो उसी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में आज ही हमने एसडीएम साहब ने, मैंने और एस तो सिटी में हम एक अपने राउंड दिया है, डॉक्टर भी हमारे साथ थे। तो लोगों को एक किस्म का जागरूक करने का उद्देश्य हमारा, किसी को सजा करने का नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो और लोग आगे इसको मान के और बीमारी से बचें। तो अभी हमारा उद्देश्य चलान भी किए गए हैं, चलान भी किए। चलान जो बातें नहीं मान रहे उनके चलान है, जैसे सरकार ने कहा 500 रुपये का चलान है और दुकानदार या कोई इंस्टीट्यूशन उसका मालिक है वो इस बात को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना है। ये लोगों को हमने बाजार के अंदर पैदल मार्चिंग करके सबको ब्रीफ किया, बताया गया है और इसकी पालना आगे सख्ती से करवाई जाएगी। सर, क्या आदेश है कोरोना काल को लेकर के हमारे यहाँ पर, क्या उसके नियम लागू किए गए हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे ओमिक्रॉन देखो, बाकी 10-12 जिलों में लॉकडाउन वाली स्थिति पैदा हो गई, हमारे जिला बचा हुआ है। उसी उपलक्ष्य में आज DSP साहब, मैं, SMO साहब, SMO साहब राउंड लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बगैर मास्क के कोई ना निकले, डबल डोज वाला कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने जुर्माना भी कुछ करवाया है, लोगों को जागरूक भी किया है और सरकार की जो भी हिदायत है उनको लागू करवाया है। अभी जैसे बाजार बंद को लेकर के 5 बजे हमारे यहाँ क्या कुछ ऐसे नहीं, हमारे यहाँ निर्देश आए हैं नहीं, बाकी अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया, नहीं जागरूक रहे तो स्थिति बढ़ सकती है, जैसे बाकी जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, अन्य जिलों में।